फ्रेंड्स आपको दिखा दूं, देखिए ये है पेंटिंग और ये ना कृष्णा ने बनाई। आप समझ सको कृष्णा के हिसाब से ये कितनी अच्छी है। ये इसने मोबाइल में देख के बनाई। ये काफी देर से सोच रहा था कि मम्मी मुझे कलर करना, मुझे कॉपी दे दो। और पर इसमें सन्नी बनाया गया। सन्नी बनाया, कोई बात नहीं, जब दोबारा बनाओगे ना जब बना देना, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी बनी है। आप भी कमेंट करके बताना कृष्णा ने जो आज ड्राइंग करी वो कैसी करी, शेड वाली है। और ये देखिए इसमें ना ध्यान से देखना, पहले कलर किया फिर सबके ऊपर व्हाइट करा, व्हाइट शेड इस पे करा, इस पे करा, पर इसमें नहीं चला। अच्छा बहुत अच्छी बन गई, देखिए शेड कैसा कर दी। इतना छोटा सा दिमाग है, छोटे से बच्चे का छोटे से दिमाग सा बहुत अच्छा करा। वेरी गुड मेरा बाबू। व्हाइट में कलर थे, इससे कलर। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा दोबारा और अच्छा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हो गया है दोपहर का टाइम और यहाँ पे देखे बच्चे लग रहे हैं अपनी पढ़ाई में और एक ना पढ़ा रही पढ़ के। असल में ईशू का कल है एग्जाम, कल से इसके FA1 स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कल से तो उधर जा रही थी, इसने तैयारी नहीं करी, तो जब से आई है फिर इसका करवा रही है गुड्डू तैयारी। और इधर कृष्णा और रूही दोनों लगे हुए हैं अपना कलर करने में, वे भी अपना काम पर लग रहे वरना तो वे परेशान थे। और मैं करने लगी हूँ अब खाने की तैयारी, खाना मुझे बनाना है सबके लिए, उधर भी भेजना बना के। सुबह का तो भैया बना देते हैं और दोपहर का मैं फिर बना देती हूँ, क्योंकि जैसा बताया था कि इंदु की तबीयत खराब है, अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सुबह तो भैया ने बना लिया होगा, अब मैं बना के भेजूंगी। तो यहाँ मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च और प्याज। पहले मुझे शिमला मिर्च और प्याज ही बनानी थी, फिर मैंने काट कर देखा, मैंने सोचा ये तो फिर थोड़ी सी हो जाएगी, फिर मैंने आलू भी काट लिए, थोड़े से इसमें आलू भी डाल लूंगी, क्योंकि सबके लिए फिर ये जो शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी बनती है ना वो थोड़ी सी हो जाती है, फिर मैं कहा कभी कम रहे तो इसलिए फिर आलू भी काट लिए। तो अब मैं लगा देती हूँ बस तड़का और सबके लिए बस खाना बना के कर दूंगी तैयार। पीयू और इंदु है उधर, उन दोनों का जाएगा, भैया यहीं खाते जाएंगे और कृष्णा रूही है यहाँ पे, बस उन दोनों का मैं लेते जाएंगे। तो अब मैं बना के करती हूँ तैयार। क्या बना रहा कृष्णा, मोटू पतलू? कृष्णा को आज कलर करने का पतलू है ये, कृष्णा को आज ड्राइंग करने का शौक लग रहा है। लगाने लगी हूँ बस तड़का, कढ़ाई मैंने चढ़ा ली और सारी कढ़ाई में ही बनाऊंगी आज मैं ये वाली सब्जी। ज्यादातर वैसे मैं कुकर में बनाती हूँ लेकिन आज कढ़ाई में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ा के उसमें धनिया जीरा अच्छी तरीके से चटका लिया, उसके बाद डाल दी है प्याज। प्याज को हमें ज्यादा नहीं भूनना, हल्का सा सॉफ्ट करना है और बस जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी फिर मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। टमाटर के अंदर ही मैंने डाल लिए थे मसाले सूखे, जो हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर वगैरह, बस वो सारे डाल लिए और इनको टमाटर को फिर डाल दिया कढ़ाई में और इसको भी भून लेंगे, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं करना कुछ भी, क्योंकि सब्जी जब बनेगी अच्छे से सॉफ्ट हो ही जाएंगे बाद में। तो जैसा कि ये सॉफ्ट से हुए हल्के से, तो फिर मैंने जो शिमला मिर्च ली थी वो डाल ली। आप चाहे तो बस इस तरीके से इनमें बना सकते हैं, आलू मत डालिए, वो भी बहुत टेस्टी लगती है, बल्कि गुड्डू को तो वो ज़्यादा पसंद है। और शिमला मिर्च तो हमारे घर में सब खाते हैं शौक से, तो यहाँ पे फिर मैंने इसीलिए डाल ली। मैं कभी ये थोड़ी सी हो जाएगी, कभी फिर सबका हो पूरा ना हो, इस वजह से फिर मैंने इसमें आलू डाल लिए। तो यहाँ पे 3-4 आलू कट कर लिए और वो भी डाल लिया इसके अंदर। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी कम आंच करके, तो ये धीरे धीरे बनती जाएगी, बीच बीच में मैं इसको चलाती जाऊंगी। और इस टाइम देखिए सब्जी का जो कलर है ना, इतना अच्छा लग रहा देखने से, ये देखिए मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा लग रही जैसा कहीं होटल वगैरह में रखी रहती है ना, या फिर टीवी में देखते हैं तो ऐसा लग रही है। तो यहाँ पे सब्जी मैंने साइड में रख दी थी बनने के लिए, थोड़ी देर तो यहीं पे ही रखी रही थी, उसके बाद मैंने जो बर्तन वगैरह थे वो कर लिए, थोड़े बहुत हो जाते हैं वैसे तो, सुबह आंटी करके ही गई थी, फिर आटा बना लिया था। और अब मैं सेकने लगी हूँ रोटी, क्योंकि सब्जी में थोड़ा सा टाइम लगता है कढ़ाई में बनने के लिए, फिर मैंने सोचा चलो जब तक मैं रोटी सेक लेती हूँ, उधर बीच बीच में मैं सब्जी भी बनाती गई। और गर्मी हो रही है तो रसोई में थोड़ा ज़्यादा गर्मी लगती है। फ्रेंड्स देखिए खाना हमारा बन के तैयार हो गया, ये बन गई है सब्जी आलू शिमला मिर्च और प्याज की, तो सब्जी बन गई है। और इधर ये लस्सी 2 गिलासों में है, जो ये पुदीने वाली और जीरे वाली, ये इसके पापा ने बनाई है अपने लिए और कन्हैया के लिए। और ये लस्सी
मेरी और बच्चों की, ईसु की ना, गुड्डू की और कृष्णा की और रूई की और मेरी। और जो ये रायता बूंदी वाला, ये स्पेशल ईशु का है। तो जितने सदस्य है इतने ही आज काम हो रहे, सबके अलग अलग बन रहे, अलग अलग डिमांड है, सबके इतने ही नखरे हैं जितने सदस्य है। कल मैंने जो लस्सी बनाई थी बूंदी वाली, वो गुड्डू के पापा को पसंद नहीं आई, आज उन्होंने अपने आप बनाई। मैं कहा चलो बना लो। और मुझे और गुड्डू को तो ज्यादातर सिंपल ही लस्सी अच्छी लगती है। रूई को कौन सी लगे? सिंपल। मैं, रूई, ईशु और कृष्णा, हम चारों सिंपल पियेंगे। नहीं ईशु नहीं, गुड्डू। और ईशु अपना रायता उठा ले, तेरा रायता बन गया। इसे बूंदी का रायता ही चाहिए, इसे और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में है। अब इसके बस इसी में ही लग रही, बस यही चाहिए। और रोटी मैंने सेक दी। और देखिए रूई ने बनाया है कार्ड, बनाने लग रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो जब बन जाएगा बाद में दिखाऊंगी। और बस मैं सबके लिए खाना लगा दूं। कन्हैया भी आ गया, भैया नहीं आए अभी। भैया ने फोन करा था इसके पापा ने उन पे, तो उन्होंने बोला कि मुझे भूख नहीं है, तो बस कन्हैया खा के जाएगा, तब आ जाएंगे उधर, उनका लेते जाएंगे। अगर भूख होगी तो एक आध खा भी लेंगे, तो लगा के देती हूँ सबको। तो सब बैठ गए थे खाने के लिए, मैंने सबको दे दिया। और आपको जैसा मैंने दिखाया, मैं कहा जितने सदस्य इतनी डिमांड, सारे के सारे चटोरे हो रहे। एक एक चीज बनाओ तो कहने को तो एक ही चीज बनती है, लेकिन उसके 10 तरीके होते हैं बनाने के, तो जब जाके वो सब खाते हैं। तो यहाँ मैंने सबको दे दी, गुड्डू ने दे दी, फिर मैं भी खा लूंगी साथ साथ, क्योंकि रोटी मैंने बनाई ली थी। इसके पापा बोलने लगे कि तू भी आ जा, तू भी खा ले। और भैया ने खाना नहीं खाया था, भैया कह रहे थे कि मुझे भूख नहीं। और इंदू की और पीयू की मैंने उधर ही लगा के दे दी थी, भैया लेके चले गए थे। और बस खाना वाना खा के फिर मैं अपना किचन का समेटूंगी। और ये वीडियो हमारी संडे की है, संडे वाले दिन की है ये वीडियो। तो यहाँ पे बस मैं भी खा रही हूँ, और उसके बाद अपना जो काम रह गया किचन का वो करके फिर करूंगी आराम, बच्चों को लेकर लेटूंगी। फ्रेंड्स अब हो गया शाम का टाइम और 5 बजने वाले हैं, और अब हमारे शाम का खाने का तैयारी होगी। और खाना खा के बर्तन वगैरह करके फिर हम लेट गए थे, थोड़ी देर आराम करी, सोए तो ऐसे ही, कृष्णा भी सो गया था। और अब बच्चों को लग गई है भूख, मेरे बाबू को भी भूख लगी ना, अब इनको चाहिए कुछ खाने के लिए। तो मुझे बनाना, एक तो बनाना शेक बनाऊंगी और एक दूंगी वाटरमेलन। बच्चे खाएंगे वाटरमेलन, वो कह रहे ईशु भी, रूही भी और कृष्णा भी कि हमें वाटरमेलन खाना। और मैं और इसके पापा और गुड्डू, हम तीनों पियेंगे बनाना शेक, इन्होंने ना कर दी। तो मैं, मुझे दोनों चीजें करनी है तैयार। और आज मैंने दूध नहीं गर्म करा था, सुबह ऐसे ही रख दिया था। तो जो बनाना शेक बनाना उसमें तो दूध डालना, तो दूध मैं गर्म करके थोड़ी देर ठंडा करना रख दूंगी जब बनाऊंगी। उससे पहले मैं बच्चों को दे देती हूँ वाटरमेलन काट के। तू क्या खाएगी? वाटरमेलन नहीं खाएगी, बनाना शेक नहीं पीती। अच्छा चलो जी, मैं बना के तैयार कर देती हूँ। दूध ही रख दिया। ईसु ला तेरे लिए एक कल की एक चीज रखी मैंने, दे क्या? अम्बी तुझे पसंद है ना, खा के देखिए। एक तेरे पापा ने खाई थी इसमें सादी खट्टी, एक कृष्णा को दी थी कल, कृष्णा ने भी निकाली रख दी थी, खट्टी है करता। और ये वाटरमेलन मैंने काट दिया था, इसके पापा दे आए हैं बच्चों को। बच्चे उधर ही हैं बाहर वाले रूम में, वहाँ एसी चलता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी 2 दिन से। तो आज मतलब संडे को फर्स्ट टाइम ही हमने एसी चलाया था, तो उधर ही बैठे थे दिन में, वहीं पर लेट गए थे सब। तो ये बच्चों के लिए लेकर चले गए। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ बनाना शेक। मैंने बनाना 3 बनाना थे, ज़्यादा तो थे नहीं, मैं चलो हम 3 ही पियेंगे। और फिर मैंने पहले दूध भी नहीं गर्म किया हुआ था, ये रखा था, फिर मैंने इसमें थोड़ा ठंडा करके इसको बना लिया। और फिर मैंने इसमें डाल दिया आइस क्यूब, क्योंकि ये गर्म सा ही, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था। और जो शेक वगैरह कुछ पीते हैं वो ज़्यादा अच्छा तभी लगता है जब वो ठंडा सा होता है, तो मैंने वो भी डाल दिया इसके अंदर। और थोड़ी सी देर मिक्सी को चला दिया, दूध थोड़ा ज़्यादा डल गया है, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बस मैंने, तो यहाँ पे देखिए बस 4-5 गिलास में मैंने कर दिया, मगर बच्चे भी ले लेंगे। कन्हैया को भी फ़ोन कर दिया था, कन्हैया अभी कहने लग रहा था कि आराम है, तो उसके लिए मैंने बना दिया था। तो यहाँ थोड़े से मैंने इसके ऊपर कर दिया गार्निशिंग, बादाम रखे थे, एक बादाम डाल दिया कट करके। और ये हमारे तैयार हो गए हैं, देखिए गिलास, अब मैं सबको दे के आती हूँ, लेकर चलते हैं। भाई हैं सारे ऑफिस में, कहाँ गए सारे? गुड्डू कहाँ?
लो पकड़ो, ये क्यों नहीं खाया इन्होंने वाटरमेलन? ये मुझे लगे मीठा नहीं होगा शायद। फिर ये क्यों नहीं खाया बेटा? तो बीज तो निकाल लेते इसमें से। कान्हा जी का भी दे दो, कान्हा जी को, कान्हा जी का दे दे, कृष्णा गुड्डू ले ले। ये फैन भी कम कर रखा है, एसी भी बंद कर रखा है, यहाँ कैसे बैठे तुम? ले ले, रूही तू नहीं पीती बनाना से? अच्छा नहीं लगता तुझे? अच्छा नहीं लगता, तू पिएगी? तू भी नहीं पीती? चलो ये ले लो, लेना तो एक गिलास है एक्स्ट्रा दोनों का थारा। उसके बाद फिर मैंने अपना छोटे मोटे से जो बर्तन थे, ग्लास वगैरह, मैं ज्यादातर साथ साथ ही साथ साफ करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे इनका टूटने का रहता है और बच्चे हैं देखो गिरा भी देते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर बर्तन डाल देते हैं, तो जैसा डालेंगे स्टील का बर्तन तो फिर और ज्यादा ये जल्दी टूट जाते हैं, तो इसी वजह से मैं ज्यादातर इनकी केयर करती हूँ काफी। और मेरे आपको बताऊँ, गिलास कांच के हो कप हो, कई कई साल मेरे आराम से चल जाते हैं, और ये भी मेरे पास लगभग 5-6 साल के ये गिलास, बस जब मैं यूज करती हूँ निकाल लेती हूँ, फिर मैं इनको डब्बे में ही रख देती हूँ, इसलिए ज्यादा चल जाते हैं। तो यहाँ पे बस फिर मेरे पास मैं अपना ये कपड़े रह रहे थे, कपड़े धोए थे ना सुबह के टाइम, तो ये ले आई थी मैं उतार के, इनकी कर दूंगी तय, प्रेस के साइड रख दूंगी, और जो बिना प्रेस के उनकी लगा दूंगी तय। उससे पहले मैंने वो अलमीरा भी साफ कर दिया साइड वाली, वो भी साइड से कर दी, क्योंकि बच्चे भी खेल के रखते हैं, कपड़ा उठाते हैं एक इधर उधर कर देते हैं, कई दिन हो गए थे तो मैंने अच्छे से सेट कर लिए, और अब चल दिया है देखे ऊपर खेलने के लिए। और यहाँ देखिए गुड्डू के पापा बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, और ये बच्चे इनके साथ ज़्यादा खुश भी रहते हैं, आपने देखा भी होगा ये खूब अच्छे से बच्चों के साथ खेलते हैं, सारे के सारे बच्चे मतलब हम सबसे ज़्यादा इनके साथ ही क्लोज हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चे ही बन जाते हैं। और इधर पहले मैं भी खेल रही थी इनके साथ, लेकिन फिर गाँव में से फ़ोन आ गया था मेरी सासू माँ का, मैं करने लगी थी बात। तो जी बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।